यू यू ऑल, ऑल आई होप आर फाइन। ज योर एग्जाम आई होप यू ऑल डर वेल माय सेल पिंकी जेठवानी टुडे आई एम स्टार्टेड सेमेस्टर सेकंड इन सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर नंबर वन और अर्थ अर्थ क्या है जहाँ पर हम रहते हैं जैसे हम सब कैसे घर में रहते हैं सेफली तो वैसे ही हम अर्थ में भी सेफली रहते हैं तो टुडे आई एम गोइंग टू हाफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड यूर होमवर्क असाइनमेंट टू लेट वी स्टार्ट सो इन चैप्टर नंबर वन आवर अर्थ इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर वन सिक्सटी क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट यूर होम आप अपनी आइज क्लोज करो और अपने होम के बारे में आपको जो अच्छा लगे उसके बारे में आपको सोचना है राइट थ्री थिंग्स डैट यू लाइक अबाउट योर होम यानी आपके घर में जो आपको आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसके कोई भी तीन चीज़ें आपको लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डाइनिंग टेबल अच्छा लगता है या आपका बेड अच्छा लगता है या आपका बुक शेल्फ अच्छा लगता है जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है उसको आपको उसमें लिखना है वॉट डू यू शेयर योर होम विथ सेकंड में क्या करना है आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है फॉर एग्जाम्पल योर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर मदर फादर ब्रदर सिस्टर एंड यू जो भी आपके साथ आप जो होम यानी घर शेयर करता है यानी आपके साथ रहता है आपको उसके नेम्स लिखने हैं ठीक है आप अपने किसके साथ अपना हाउस शेयर करते हो नेक्स्ट वॉट इज आवर अर्थ मेड ऑफ क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो अर्थ है वो किससे बना हुआ है अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ लुक एट अ ग्लोब यानी जो ग्लोब है ना आप साइड में देख सकते हो पिक्चर में वो बिल्कुल हमारी अर्थ की तरह ही दिखता है द ब्लू पार्ट शोज वाटर जो इसमें ग्लोब में जो ब्लू पार्ट है ना आप देखो तो वो क्या शो करता है क्या बताता है वाटर यानी वो वाटर शो करता है यानी इतना जो हमारा लैंड का यानी जो हमारे अर्थ का जो हिस्सा है वो वाटर से फेल है द ब्राउन एंड द ग्रीन पार्ट शो लैंड जो इसमें ब्राउन एंड ग्रीन कलर का जो देखो ऊपर पार्ट दिख रहा है ना वो क्या शो कर रहा है लैंड शो कर रहा है क्या शो कर रहा है लैंड शो कर रहा है बाय लुकिंग एट द ग्लोब वी नो डैट द अर्थ इज राउंड इन शेप बाय लुकिंग द ग्लोब यानी जैसे ग्लोब में जब हम देख रहे हैं तो वो कैसा दिख रहा है हमारी अर्थ की तरह इज राउंड इन शेप यानि राउंड यानी राउंड शेप में एंड इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर और वो किससे बना हुआ है लैंड एंड वाटर से यानी अधिकतर हमारा जो अर्थ है जो हमारी लाइफ पॉसिबल क्यों है क्योंकि वहाँ पर मेन तो वाटर है यानी अगर पानी है तो ही हमारी लाइफ पॉसिबल है यानी विदाउट वाटर हम कुछ कर सकते हैं नहीं इसकी वजह से जैसे पानी वाटर हमारे लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी है तो इसकी वजह से ही अर्थ पे जो जीवन है वो पॉसिबल है सो वाटर एंड लैंड की वजह से हम अर्थ में सेव है जैसे हम घर में भी कैसे सेव है तो ऐसे ही ये हमारा जो अर्थ है वो हमारा घर जैसा है अगेन आई रिपीट अ ग्लोब इज मॉडल ऑफ अर्थ लुक एट द ग्लोब द ब्लू पार्ट शो वॉटर द ब्राउन एंड ग्रीन पार्ट शो लैंड बाय लुकिंग एट द ग्लोब वी नो डेट द अर्थ इज राउंड इन शेप एंड इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर नेक्स्ट अर्थ हैज एर वाटर एंड लैंड अर्थ पे क्या है एर वाटर एंड लैंड यानि एयर हवा वाटर पानी एंड लैंड जमीन नाउ स्टार्ट देयर इज एयर ऑल अराउंड द अर्थ यानी हमारे अर्थ के ऑल अराउंड क्या है एयर है वी नीड एयर टू ब्रीथ यानी जिसकी वजह से हम ब्रीथ कर सकते हैं सांस ले सकते हैं मोर देन हाफ द अर्थ इज़ वाटर यानी जो हमारे अर्थ में जो आधा हिस्सा मोस्ट ऑफ जो है ना हाफ हिस्सा वो किससे है फिर वाटर से फेल है उसकी वजह से ही यहाँ पर अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है मैंने आपको लास्ट बताया भी वी नीड वाटर टू ड्रिंक कोक एंड क्लीन हम वाटर uh, पीने में कुकिंग करने में क्लीन अप करने में बाथिंग करने में यानी हम बिना पानी के यानी कुछ भी नहीं कर सकते यानी पानी जो है वाटर है वो बहुत ही नेसेसरी है हमारी लाइफ में यानी जैसे कभी पानी नहीं होता तो हम कितना परेशान हो जाते हैं तो वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ वी लिव ऑन लैंड वी बिल्ड हाउसेस एंड ग्रो फूड एंड ट्रीज ऑन लैंड यानी लैंड यानी जो ज़मीन है जहाँ पर हम अपने हाउसेस बना सकते हैं या हम खेती कर सकते हैं फूड ग्रो कर सकते हैं ट्रीज़ ग्रो कर सकते हैं यानी वो भी ज़रूरी है यानी फूड नहीं होगा तो भी वो हमारे लिए वो भी जरूरी है फ़ूड के बिना भी हम नहीं रह सकते तो यानी लैंड है उसकी वजह से ही हम उसको फूड एंड ट्री को अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं व्हीकल्स मूव ऑन लैंड यानि जैसे वहीकल्स पर चलते हैं यानि हमको ऐसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं व्हीकल्स पर तो वो भी किस पे चलते हैं लैंड पे यानि ये सब चीज़ें अर्थ के लिए बहुत ही जरूरी है जैसे एयर वाटर एंड एं, लैंड देखो यहाँ साइड में लिखा हुआ भी है और अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लानट अर्थ को ब्लू प्लानट भी कहा जाता है Again, I repeat the lines. Earth has air, water, and land. There is air all around the earth. We need air to breathe more than half. The earth is water. We need water to drink, cook, and clean. We live on land. We build houses and grow food and trees on land. Vehicles move on land. Next, you see. Your homework. Hard words. Write three times in the notebook. Number one. Earth globe. Water. Land. Air. Breathe. Vehicles. Plane. Hill. Mountain. Cooler. Snow. Valley. Lowland. Plate you next table land island peace higher and surrounded so children thank you for watching i hope you all enjoy enjoy today's topic so, children, we will meet again in the next topic. So, children, take care and goodbye.